चलो सिंपल सा सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि दो ऑडियो स्पीकर्स हैं, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस दूर रखे गए हैं और एक ही एम्पलीफायर सिस्टम से दोनों बज रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है एक ही एम्पलीफायर, मतलब सेम सोर्स ऑफ साउंड है उनका, ठीक है, मतलब इनिशियल जो फेज है वो सेम है ना, एक ही सोर्स दोनों को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, दोनों स्पीकर्स को, कोई दिक्कत, इनिशियल फेज सेम है, फेज डिफरेंस इनिशियली जीरो है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी जो है वो 1 से 6 मीटर पे बैठा है और दूसरे से कितने पे बैठा है, 6.4 पे बैठा है। तो स्पीकर वन एक काम करता है, यहाँ पे स्पीकर वन है, यहाँ पे स्पीकर टू है और यहाँ पे आदमी है। तो एक स्पीकर से जो आदमी पे डिस्टेंस 6.4 है और दूसरे से जो डिस्टेंस है वो 6 है, तो जो दो वेव्स पहुंच रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया, बताओ, बोलो। अरे पाथ डिफरेंस 0.4 मीटर हुआ ना रे गधा साहब। कैसे सर? अरे इसका हाँ सर, डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस हाँ ठीक है। है ना, तो पाथ डिफरेंस हो गया 0.4। अब बोला कि साउंड का जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी 500 से लेके 5000 तक लगातार हम चेंज कर रहे हैं, मतलब शुरू में 500 था, 501, 502, 503, ऐसा मतलब स्टेप्स में नहीं, मतलब कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हैं 500 से लेके 5000 के बीच में, ठीक है, समझ रहे हो। तो बोला कि ऐसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, इस पोजीशन पे, इस मैन की जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है कितना, 320। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सवाल है, इसको अपन ब्लैक बोर्ड पे ले चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, है ना। देखो यहां ध्यान से, तुमको पता है ये चीज v इज इक्वल टू लैम्डा f, तो पता ही है, मालूम है ये चीज सबको। अरे बोलना भाई सर ताऊ, v इज इक्वल टू लैम्डा, v इज इक्वल टू लैम्डा f। अच्छा, और दूसरा चीज क्या है गुरु, अपने को ये भी मालूम है, क्या मालूम है अपने को, ये मालूम है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कंडीशन, बताओ, डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या होता है, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, हाँ n-1/2 लैम्डा। n माइनस या n +1/2 जो लिखना चाहो, n +1/2 लैम्डा, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, ऐसा है ना, ये पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना है 0.4, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, v बाई f, बोलो, लैम्डा हाँ सर, की वैल्यू v बाई f है ना गुरु की, नहीं है। हाँ सर, अच्छा, तो यहां से क्या रिलेशन बन रहा है, जरा देखो, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 2n+1/2 इंटू वी बाई 0.4, वी कितना है, 320, बोलो। और आवाज कट रहा है सर आपका। स्क्रीन दिख रहा है ना, देखो f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टू हाँ एन हाँ हाँ प्लस वन बाई टू, वेलोसिटी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो डालो, 320/0.4 कितना आएगा, 3200/4, 800, ये 800 होगा हाँ और यहां से हाँ काट दो सर तो कितना हो गया, ये 400, बोलो। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरी हाँ सर 400 इंटू 2n+1, आई बात समझ, बोलो। तो हाँ फ्रीक्वेंसी, सर फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया, बड़ा सा फाइनल रिजल्ट आया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 400 इंटू 2n+1, ठीक है, n की वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब हमको चेक करना है कि गिवन रेंज में कौन कौन सा है, n का वैल्यू 0 डालो तो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी क्या आता है, 400, लेकिन फोर हमारा जीरो तो, वन हाँ, n की वैल्यू 0 डालो तो फ्रीक्वेंसी 400 आ रही है ना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा कहां से कहां तक रेंज दिया हुआ था, 500 से 5000 है ना, ऐसा कुछ है, हाँ सर 500 से 5000 है कि 50 से 5000 है, कितना है, तो 500 से 5000 है, ये तो उस रेंज में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया गुरु। अगला देखो तो क्या आएगा, 1 डालो तो n की वैल्यू 1200, 1200
1212 है कि नहीं। हाँ सर। फिर अगला डालो कितना आएगा, एन की वैल्यू 2000। टू डालो 2000। बोलो। हाँ सर। इस तरह करते 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 मैं कहां तक पहुंचूंगा बताओ जरा। 8800 के अंतर तक कहां तक पहुंचूंगा मैं। 400 इंटू 2n+1 जो है ये है हमारा 5000 से कम होना चाहिए। 5000 से कम या 5000 से क्या होना चाहिए, 5000 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना आ गया देखो तो। सब 5000 से ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं नहीं कम है ना, 500 से 5000 वेरी कर रहे हैं ना। हाँ 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 ठीक है। 50/4 यानी कि ये क्या आ रहा है 2n+1 less than equal to 25/2 है ना। हाँ सर। 2n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से देखो तो क्या आ रही है, 2n is equal to 25/2 sorry is less than equal to कितना 25/2 - 1 23/2 ठीक है। बोलो। n is less than equal to 23/4 है ना। मतलब हम कहां तक ले जा सकते हैं, 5 तक ले जा सकते हैं। 5 मतलब n is equal to क्या क्या हो सकता है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 है ना। 5 डाल के देखो तो कितना आता है यहाँ पे 4400 आता है। 4400 डाल के देखोगे तो इसमें 4400 आएगा। जैसे ही n की वैल्यू 6 करोगे गड़बड़ हो जाएगा, 5000 से ज्यादा हो गया ठीक है। हाँ सर। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 400 इंटू 2n+1 एन की वैल्यू कितनी 1 2 3 4 5 यही 5 वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है एडमिसिबल। आई बात समझ। हाँ सर।